नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। मैं हूं कामरान। और प्रिय साथियों, आज से हम एक नई मैथमेटिक्स सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है। और प्रिय साथियों, जिस तरीके से लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उसको देखते हुए हमने मैथमेटिक्स सीरीज इंटरमीडिएट की शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस पर इंटरमीडिएट के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या उनकी समझ में नहीं आता है, यानी संबंध एवं फलन या रिलेशन एंड फंक्शन की। देखते हैं आज का टॉपिक, यानी रिलेशन और संबंध। रिलेशन संबंध होता क्या है, तो देखिएगा सबसे पहली चीज़ यहाँ पर, मैं मान लेते हैं हम एक राम, सपोज कीजिए किसी परिवार का नाम लिख लिया है, मैंने राम लिख लिया, श्याम लिख लिया, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, और इनके पिता का नाम सपोज कीजिए गोपाल है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, यदि हम इन दोनों की कंडीशंस देखें तो राम के पिता कौन है, गोपाल है, यानी इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ वो पिता का संबंध स्थापित हुआ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी क्या, श्याम, राम और श्याम दोनों भाई हैं। जब राम के पिता गोपाल हैं तो श्याम के पिता भी कैसे हो, कौन होंगे, गोपाल होंगे। इसी तरीके से सपोज कीजिए मैंने इनकी मम्मी का नाम सीता लिख दिया, तो राम की मम्मी होंगी वो कौन होंगी, सीता होंगी, और श्याम की मम्मी भी सीता होंगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी ये रिलेशन हुआ। अब चूंकि राम और श्याम की मम्मी जो है वो सीता है, जबकि राम और श्याम के पिता गोपाल हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो पति पत्नी का रिलेशन होगा। तो इस तरीके से गाइस आप समझ सकते हैं कि रिलेशन एंड संबंध क्या होता है, और मैथमेटिक्स में रिलेशन जो होता है उसके बिना कोई भी क्रिया आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ पर देखने वाली बात और है, इस तरीके से सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और 4 लिख दिया, तो हम क्या करें, 5 बड़ा है 4 से, तो इस रिलेशन को, संबंध को स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक साइन ले लिया, यानी 5 बड़ा हो गया 4 से। इसी तरीके से मैंने लिख दिया, सपोज करो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया मैंने 25, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 25, और 5 और 25 दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हमने किस चीज़ का साइन यूज किया, बराबर का साइन यूज किया। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज किया। इसी तरीके से सपोज करो यदि इन दोनों के बीच में हमें कुछ और दिखाना होता है, या फिर मैंने इस तरीके से दिखा दिया होता 3 का वर्ग बराबर 10, 3 का वर्ग बराबर मतलब 10, 3 का वर्ग, और यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 हो गया और यहाँ 10 हो गया। तो इस रिलेशन को हम कैसे दिखाएंगे, इस रिलेशन को या तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, देखिए 9 से बड़ा क्या है, 10 है, तो 10 की तरफ कर दिया हमने, यानी ये ग्रेटर लेस का साइन हो गया। तो यहाँ पर ये संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये संबंध अलग स्थापित कर रहे हैं, ये संबंध स्थापित अलग कर रहे हैं। तो इन संक्रियाओं को पूरा करने के लिए हम किसी न किसी साइन का यूज करते हैं। इस तरीके से जो भी क्रियाएं बनती हैं या जिन चीजों का हम स्थापित करते हैं या एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिस चीजों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम संबंध के साइन या संबंध चिन्ह कहते हैं, और उन चीजों को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो आई थिंक गाइस आपको संबंध अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे संबंधों के प्रकार और उन पर वीडियो बनाएंगे।